Hi guys, welcome to your 37 Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा abstract class और instance of method. अगर आपको inheritance का concept पता नहीं है तो आप कृपया inheritance का वीडियो देख लीजिए, वरना आपको आगे का concept समझने में तकलीफ आएगा. ठीक है, सब बोलते हैं कि Java protection देता है और मेरे ख्याल से इसी कारण के लिए वो काफी famous है. अब जावा कोई बंदूक लेके आपके पास नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, पर आपका इम्पोर्टेंट क्लासेस को वो अनवांटेड एक्सेस से बचा सकता है. और भी कई तरीके की चीज़ों से जावा प्रोटेक्शन देता है, पर आज आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि आप उसको कभी छेड़ नहीं सकते, या फिर आप उसको कभी छेड़ नहीं सकते, शायद आप समझ गए. इंस्टेंस ऑफ ये बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस वक्त पे सेलेक्ट किया है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है या फिर किस क्लास को बिलोंग करता है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टेंस ऑफ ये बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस वक्त सेलेक्ट किया है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है. अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे शायद हमको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसका नाम मैं रखूंगा प्लेयर. इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा. मेथड ट्रैक कर रहा हूं मैं एकदम से. वॉइड डिस्प्ले, इसका नाम है डिस्प्ले. और देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर मैं कभी भी इसको पूरा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसको हमें डिफाइन करने नहीं देते. इसको मैं सेव करता हूँ अदर के अंदर. हाँ ठीक है, सही जगह है. सैम्पल वन डॉट जावा, ठीक है. और अभी मैं दो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा. क्लास बैट्समैन एक्सटेंस प्लेयर. और यहां पे आएगा बोलर. ठीक है, ये दो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा. और ये दोनों जो है, हाँ, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक दूसरे को इनहेरिट कर सकता है. ठीक है, आगे मैं एक दो और क्लास बनाऊंगा. क्लास नहीं, सचिन नहीं, धोनी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट बैट्समैन है. और ये एक्सटेंड करेगा प्लेयर को, नहीं बैट्समैन को. आजकल बेचारा धोनी बॉलिंग भी करना पड़ता है उन्हें, क्या करे. ठीक है, वॉइड डिस्प्ले और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन और ये प्रिंट करेगा धोनी. ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा दिख रहा है इस क्लास में, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ. पर इस बार धोनी नहीं होगा, सचिन होगा. और ये भी बैट्समैन है, शायद आप सबको पता है सचिन कौन है. और ये प्रिंट करेगा सचिन को. और इसको मैं एक और बार प्रिंट करूँगा. इस बार मैं दो चेंजेस बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक बॉलर आएगा, जहीर, मेरा फेवरेट बॉलर. और क्योंकि वो बॉलर है तो वो बॉलर को एक्सटेंड करेगा, बॉलर नहीं बॉलर. और ये प्रिंट करेगा बॉलर, नहीं सही. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. इस बार हम बनाएंगे हमारा मेन क्लास, मतलब क्लास जिसमें मेन मेथड है, और उसका हम नाम रखेंगे एग्जाम्पल वन. और उसमें होगा पब्लिक स्टैटिक. पता नहीं आज मेरा हाथ और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग शायद बॉडी में है. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
string args, args नाम का एक अरे जो string टाइप का है। अब हाँ, इसको बनाने से पहले मुझे एक और चीज बनानी होगी, वो है public final, नहीं public static final int num equal 3, क्योंकि हमारे पास तीन क्लास है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने स्टैटिक क्यों लगा रखा है एक इंट के सामने और फाइनल क्यों लगा रखा है एक इंट के सामने। बेसिकली इसलिए क्योंकि स्टैटिक, क्योंकि मैं इस इंट नम को जो है मैं अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, और इसलिए मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया। और फाइनल इसलिए डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि इस नंबर को मैं बदलना नहीं चाहता। मतलब मैंने नम को इनिशियलाइज किया है तीन के साथ, और अगर मैंने उसको डिक्लेयर किया है फाइनल के साथ, मतलब उसका कभी भी चेंज नहीं होगा नम वैल्यू। ठीक है, अभी मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, प्लेयर का एक अरे बनाऊंगा, प्लेयर टाइप का एक अरे बनाऊंगा पी, जो होगा एक न्यू प्लेयर टाइप का अरे, और ये लेगा नम उसका वैल्यू के लिए। तो उसके अंदर अभी डायरेक्ट तीन चला जाएगा, और पी का जीरोथ पोजीशन पे होगा नई धोनी नई धोनी पी, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा नई सचिन, और पी सेकंड पोजीशन पे न्यू जहीर। शायद सचिन और जहीर माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों ही जड़ है तो एक और सचिन और जहीर आता तो शायद क्रिकेट के लिए अच्छा होता। चलो बकवास नहीं, काम पे वापस। फॉर, अब हाँ एक मैं फॉर लूप बनाऊंगा, सिंपल सा फॉर लूप, आई लेस देन नम और आई प्लस प्लस, शायद कोई गलती नहीं हुआ यहाँ पे। और अब देखिए क्या होने वाला है, प्लेयर का एक वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेयर टाइप का एक वेरिएबल है, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा पी के साथ, और जिस पे होगा आई, क्योंकि हम आई से जो है हमारा पोजीशन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा जो नया P1 है वो है एक इंस्टेंस किसका, बैट्समैन का, तो कृपया उसका अंदर वाला डिस्प्ले मेथड, तो मैं इसको करूंगा P1.display, डिस्प्ले मेथड को कृपया चलाइए। ठीक है, प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एग्जाम्पल 1.java, शायद कोई एरर नहीं है, है P1 इंस्टेंस ऑफ बैट्समैन, इफ P1 इंस्टेंस ऑफ बैट्समैन 36, अरे 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 कोई शायद सिंटैक्टिकल एरर है यहाँ पे। पता था यही था कारण, टाइपिंग एरर, पता नहीं जावा एग्जाम्पल 1, और धोनी और सचिन आ गया है, क्योंकि धोनी और सचिन बैट्समैन है, इसलिए ये इंस्टेंस ऑफ है बैट्समैन का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे ये, हाँ मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मतलब मेरा पूरा सीरीज जो है देखता रहना है तो आप ऊपर सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।